हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं। न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहें। प्लीज़ वीडियो देखते समय वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक की आप कंजूसी कर जाते हैं और वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। टाइम हुआ सुबह का 8 8 बजे हैं, तो 8 बजे से मैंने शुरुआत करती थी साफ़ सफाई की। अब मैंने अंदर रूम में से जैसे साफ़ सफाई डस्टिंग करनी थी वो तो मैंने कर ली है और यहाँ निकाल लेती हूँ बाहर। बाहर भी जैसे बाहर निकालनी है वहाँ भी झाड़ू अभी निकाले नहीं है, वहाँ भी निकालनी है तो सारी साथ में ही कर लेती हूँ। पहले अंदर से निकाली है, फिर यहाँ से निकाल लेती हूँ, फिर बाहर निकालूंगी। आजकल बहुत धूल धूल सी आने लगी है क्योंकि काफ़ी गर्मी होने लगी है और आंधी भी जैसे हवा चलते है उसके साथ साथ बहुत धूल आती है। दोनों टाइम झाड़ू निकालते हैं फिर भी पता नहीं धूल कहाँ से जम जाती है। वैसे वाइट टाइल हैं तो इनके ऊपर दिखती भी ज़्यादा है। तो अंदर से तो कर लिया मैंने सारी साफ़ सफाई, अब बाहर से भी कर देती हूँ। आज यहाँ निकाल लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू निकालने के बाद यहाँ का फर्श धो दूंगी। आप झाड़ू पोछा का मेरा सब काम हो गया था, फिर आ गई थी मैं नहा के किचन में। किचन में बनाना है मुझे खाना, आलू मटर की सब्जी, तो मैंने इसकी सारी तैयारी कर ली थी और यहाँ पर चटा दिया था। छोंक छोंक गर्म हो गया था, इसमें डाल दिया मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद इसको जैसे आलू काट के रखे थे इनको थोड़ा सा तल लेती हूँ। तलने से सब्जी टेस्टी बन जाती है, इनको थोड़ा सा मैं इसी में तल लेती हूँ। थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, ब्राउन तो है ही, थोड़े से तल लूँगी तो कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर पूरी वीडियो दिखाई जाए छीलने काटते हैं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी करके छोड़ दी थी। मटर छीलने में भी काफ़ी टाइम लगता है तो मटर भी मैंने छील के रख लिए थे। और टमाटर वैसे नहीं डालूंगी, मैंने पीस के टमाटर डालूंगी इसमें, तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तरी वाले बनाओ चाहे जैसे सूखी सूखी बनाओ। आलुओं को मैंने अच्छे से तल लिया है, अब इसमें डाल देती हूँ मटर। मटर भी मैंने अच्छे से डाले हैं तो मटरों को भी थोड़ी देर ऐसे ही इसमें तल देती हूँ। क्योंकि मटरों का सीजन जा रहा है तो आलू मटर की सब्जी बना लेते हैं। मटर मैं वैसे सुखा तो लेती हूँ, गीले मटर होते हैं वो, जैसे छाँव में सुखा लिया तो वो अच्छी सब्जी बनती है। उनकी भी जैसे भी शाम को भिगो दो सुबह बना लो, पर ऐसी हरे मटर की सब्जी जैसे अब बनती है वैसी नहीं बनती है, थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है उसमें। आलू और मटर मैंने दोनों चीज़ तल लिए थे, उसके बाद डाल देती हूँ उसमें मसाला। मसाला में डाल दी मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च।
मसाला डालने के बाद इनको मसालों को अच्छे से पका लेती हूँ, क्योंकि मसाला थोड़ा सा पक जाएंगे इसी में। जैसे तेल तेल लेना है तो इसमें टमाटर डाल लिए हैं, न पानी डाला है, तो मसाले भी इसमें अच्छे से पक जाएंगे। मसाला अच्छे से पकने के बाद, जैसे मसाला पक गए थे उसके बाद मैंने ऐसे ही थोड़ा सा पकाया था, और टमाटर पीस के रखे थे मैंने 3-4, इनको मैंने डाल दिए हैं, और इनको भी अच्छे से मिक्स इसमें कर देती हूँ। टमाटर मिक्स करने के बाद अभी इसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें पानी डालूँगी नहीं, जो टमाटर डाले हैं इसी से पकाऊँगी। बहुत अच्छी सब्जी बनती है ऐसे में। जैसे टमाटर वाले पानी से ही पक रही थी सब्जी, और बीच में मैंने इसको चेक कर लिया है, नीचे लगी भी नहीं है ज़्यादा, जैसे थोड़ी बहुत तो ऐसे होती है, अकेले मसाले वाली सब्जी है तो। और आटा भी मैंने लगा लिया है, और यहाँ पर डाल देती हूँ मैं पानी। पानी अब डाला है मैंने, आलू की सब्जी जैसे आधी से ज़्यादा गल गई है, तो उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है, और आटा लगा के मैंने रख दिया है सेट होने के लिए। तो पानी डाल के मैंने इसको सिम आँच पर रख के छोड़ दी थी, तो ढक्कन लगा दिया था। अब मैंने फिर से चेक किया तो सब्जी बन के तैयार हो गई है। मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, क्योंकि ज़्यादा तरी तरी सी सब्जी नहीं बनानी है मुझे, ऐसी ही रखनी है, तो इसमें पानी मैंने थोड़ा सा डाला था, और उससे ही पक के तैयार हो गई है, और खाने में बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। आलू मटर की सब्जी बन के हो गई है तैयार, और इसमें एक नींबू का रस डाल देती हूँ मैं इसमें खटाई के लिए, क्योंकि टमाटर भी मैंने अच्छे से डाले हैं, देसी वाले टमाटर हैं, और ऊपर से एक नींबू डाल दूँगी तो और अच्छा टेस्ट आ जाएगा सब्जी में। और अब आटा लगा के मैंने रख दिया था, अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, सेक लेती हूँ।